हे गाइज नमस्ते सलाम कैसे आप लोग कैसे खबर सब जाना संचय और कैमन आपनारा सबाई आशा करी सबाई भालो आछेन। दोस्तों मैं आया हूँ इधर कॉर्निच में, अभी रात के 2 बज रहे हैं। अपने रूम से 40 मिनट पैदल चल के आया हूँ। आज मेरा छुट्टी है, जैसा कि मेरा ओवरनाइट ड्यूटी चल रहा है, तो सोचा इधर आऊँ थोड़ा घूम लूँ और वीडियो थोड़ा शूट कर लूँ। और दोस्तों के कमेंट्स थे, बहुत सारे कमेंट थे कि कतर की जो है लिविंग कॉस्ट, खाने का कॉस्ट खर्चा, रहने का खर्चा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कतर की लाइफ स्टाइल के बारे में अच्छे से जानकारी देने के लिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे। तो मैं इसी वीडियो में आज पूरा लिविंग कॉस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कतर की लाइफ स्टाइल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, पूरा एक साथ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कतर की लिविंग कॉस्ट, जो रहने का खर्चा है, जो खाने का खर्चा है, जो रहने का खर्चा है, उसके बारे में। तो मेरा जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा। मेरा जो पर्सनल खाने का खर्चा है वो आपका इन एवरेज 300 से 350 रियाल के आसपास है। 300 से 350 रियाल में मेरा महीने का खर्चा हो जाता है, खाने का खर्चा पॉकेट मनी छोड़कर, और पॉकेट मनी लगभग 50-100 रियाल जोड़कर 400 से 500 रियाल तक आप पकड़ लीजिए, ठीक है, आपका खाने का खर्चा और थोड़ा पॉकेट मनी खर्चा ऐड कर इंक्लूड करके। तो खाने के खर्चा में आपका इधर जो है सामान जो है चावल आपको मुझे जो पर्सनली है 10 किलो में चावल यूज़ करता हूँ महीने में। 5-5 किलो के 2 बोरे चावल यूज़ कर लेता हूँ मैं महीने में, और 5 किलो चावल का जो प्राइस है इधर वो 25 रियाल से 30 रियाल तक है। बासमती चावल जो है अच्छी वाली बासमती चावल वो इन एवरेज 25 से 30 रियाल में आपको अच्छी वाली बासमती चावल मिल जाएगी, और उससे भी कम में आपको मिलेगा, 20-22 रियाल में भी आपको मिल जाएगा, पर इन एवरेज आपको अच्छा चावल आपको खाना है तो महीने में आपका 60 रियाल चावल में आपका आएगा इन एवरेज, जो मेरा पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है। और चिकन वगैरह सब्ज़ी वगैरह भी इधर ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। चिकन आपको 10 रियाल 12 रियाल तक 15 रियाल तक मिल जाएगा एक किलो चिकन, और कटा हुआ लेग पीस वगैरह भी मिलता है, और प्रमोशन टाइम में और सस्ते में मिलता है, 7-8 रियाल में 6 रियाल तक 7 रियाल तक मिल जाता है कटा हुआ लेग पीस 500 ग्राम का, ठीक है। और सब्ज़ी भी आपको इधर हाइपर मार्केट में सुपर मार्केट में जो प्राइस है ठीक ठाक है। प्याज आलू वगैरह, प्याज कभी 2 रुपये 2.5 रुपये किलो इंडियन पाकिस्तानी प्याज होते हैं, और भी कंट्री के आते हैं। यूरोप का जो सामान होता है बहुत महंगा होता है, वो हम लोग के लिए नहीं है वो बहुत महंगा होता है। और इंडिया पाकिस्तान से जो सामान आते हैं बांग्लादेश, ये सामान हम लोग के लिए है। तो आलू भी 2 रियाल 3 रियाल किलो में आपको मिल जाते हैं, और साग भी वही इधर का लोकल साग सस्ता मिलता है, और इंडिया से जो साग आता है वो भी ठीक ठाक में मिल जाता है 2-3 रियाल में। तो इसी तरह खर्चा है खाने का आपको, जो मेरा पर्सनल है 300 से 350 तक में मेरा लग जाता है। और रहने का जो खर्चा है, मैं तो कंपनी के अकोमोडेशन में रहता हूँ, तो अगर आप बाहर रहते हो तो आपको इन एवरेज आपको 400 से 500 एक आदमी का लगेगा खर्चा, क्योंकि जो एक 1 BHK का आपको रूम लेना है तो उसमें आपको एक रूम में आप 3 से 4 आदमी रह सकते हैं, ठीक है। तो पर व्यक्ति आपको 400 से 500 में आपको लग जाएगा, 2500 से 3000 रियाल तक आपको अच्छा सा स्टैंडर्ड रूम मिल जाएगा, जिसमें बाथरूम वगैरह किचन वगैरह सब सेपरेट होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वाइज है आपका, आप और भी महंगे रूम में रह सकते हैं, तो 3000 1 BHK मेरे ख्याल से एनफ है, एक्सपेंसिव है थोड़ा इधर रूम रहने के लिए। तो मोस्ट ऑफ कंपनी जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, और आपको फूड भी प्रोवाइड करती है,
बहुत सारी कंपनी, और आपको अगर आपको अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड नहीं करती है तो अकोमोडेशन का 500 और फूड का 300 आपको कंपनी देगी। और मिनिमम बेसिक यहाँ आपका 1000 रियाल है, 1000 रियाल से कम कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकता, ये कतर गवर्नमेंट का रूल है। तो अगर आप कंपनी आपको पैकेज में प्रोवाइड करती है तो मिनिमम याद रखिए, मिनिमम आप 4000 से नीचे पैकेज में एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि पैकेज में सब कुछ अपने को ही आपको मैनेज करना होगा, आपको रहने का, ठीक है, बाहर अलग से रूम लेना होगा, ठीक है, उसमें भी आपको, आप शेयरिंग में रहोगे तभी 400-500, नहीं तो अकेले रहोगे तो आपका 2000 रियाल तक पड़ जाएगा। तो मिनिमम 4000 रियाल होना चाहिए पैकेज में, अगर आपको कंपनी ऑफर करती है कोई भी कंपनी, मिनिमम 4000 5000 वो तो अच्छा है, ठीक है, मिनिमम 4000 मान लीजिए, क्योंकि आपको रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ अपना ही आपको मैनेज करना है। तो इसलिए जो है आप पैकेज में आएंगे तो 4000 से नीचे मत आइएगा, ठीक है। अगर आप कंपनी की अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड में आते हैं तो बेसिक आपका अगर 1500 या 1600 भी रहता है तो इन एवरेज ठीक है, ख़राब नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारे जो है जैसे क्लीनर में है, कंस्ट्रक्शन में है, बहुत सारे भाई लोग का इधर बेसिक उससे भी कम है, ठीक है, 1200-1100 बेसिक है, 1000 ऐसा बेसिक है। तो ये तो हुई आपका लिविंग कॉस्ट के बारे में, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब बात करते हैं कतर की, यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, देखिए इधर कतर में बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अभी कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का 2022 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए भी बहुत सारे कंपनी में स्टाफ चाहिए, नए नए मार्केट खुल रहे हैं, जो हाइपर मार्केट कंपनी है उनका नया नया स्टोर खुल रहा है, ठीक है, नया नया स्टोर बना रहा है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में हो, चाहे हॉस्पिटलिटी लाइन में हो, ठीक है, तो हर सेक्टर में अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं तो कहूँगा कि अभी कतर आप आ सकते हो, और आने के बाद आपको स्टार्ट में 2 साल का एग्रीमेंट रहता है, अगर आपको कंपनी तो सैलरी आपकी नहीं बढ़ती है या आपको कंपनी पसंद नहीं आती है तो आपको 2 साल आपका पूरा होने के बाद उस कंपनी से आपको NOC लेकर आप दूसरा कंपनी में जा सकते हो, ठीक है, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इधर जॉब सर्च कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इधर, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनी आपकी लिस्ट में, जैसे आप कतर एयरवेज को देख लीजिए, इंटरनेशनल टॉप एयरवेज में आती है कतर एयरवेज कंपनी है, अली बिन अली होल्डिंग है, अलमाना होल्डिंग है, ठीक है, अलसाया ग्रुप है, और आपका कतर पेट्रोलियम है, उकुत पेट्रोलियम है, ठीक है, उसके बाद आपका फुतेम ग्रुप है, मजीद अल फुतेम ग्रुप है, ठीक है, तो कतर नेशनल है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इधर, और अच्छे पोस्ट में अच्छी सैलरी है, सुपरवाइज़र मैनेजर के लिए बहुत अच्छी है इधर फ्यूचर है, क्योंकि बड़ी अच्छी कंपनी में सुपरवाइजर लोग का मिनिमम जो सैलरी है 5000 से 6000 तक है, ठीक है, उसका बेसिक ही अच्छा है, और सब अलाउंस वलाउंस 5000 से 6000 तक मिल जाता है उन लोग को। और मैनेजर लोग की तो बात ही अलग है, मैनेजर मेरे खुद कंपनी में, जैसे हाइपर मार्केट में हूँ उस कंपनी में है ही, मैनेजर लोग की सैलरी 10000, किसी की 12000 15000 20000 तक सैलरी है, जो जितने पुराने हैं उतनी उसकी ग्रेड ज़्यादा है, तो उसकी सैलरी हाई है। तो इधर फ्यूचर है अगर आप अच्छी पोस्ट पर पहुँचते हो, ये तो बात है कि प्राइवेट कंपनी है भाई, आप जितना बड़ा पोस्ट उतना प्रेशर तो होगा ही, ठीक है, मैनेजर लोग के ऊपर प्रेशर तो है ही, GM का प्रेशर है, ये ऐसा हो, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है, हमेशा एक्टिव रहना है मोबाइल में, कॉल में, ठीक है, तो ये सब तो कोई भी प्राइवेट कंपनी में, हर कंट्री में, चाहे वो ये कतर हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, US हो, ठीक है, कोई भी कंट्री में सेम कंडीशन है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में। मगर अगर आप इधर आते हो तो इधर भी बड़ी कंपनी है, इधर फ्यूचर बना सकते हो, बस आपको थोड़ा टिके रहना है और एक्सपीरियंस लेकर आपको बड़ी बड़ी कंपनी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है, अच्छी कंपनी में, और अच्छे पोस्ट में आप पहुँच जाते हो तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सैलरी है इधर, ठीक है। तो ये हुआ आपका कतर का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, थोड़ा मैं आपको जानकारी देने की कोशिश किया।
अब लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल भाई इधर है, अच्छी है, क्योंकि थोड़ी गर्मी है कतर में, समर टाइम में थोड़ा गर्मी जाता है, 47 डिग्री तक चल जाता है। फिर पहले से बहुत कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता था इधर। अभी तो कतर ने यूरोप से मिट्टी तक लाकर इधर पूरा हरियाली बनाया है, तो इधर उतना गर्मी नहीं होता, अभी कम है, 47, 45, 46 ऐसे जाता है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल इधर की स्टैंडर्ड है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारे यूएस कंपनीज है इधर, यूरोपियन कंपनीज है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां है इधर, और इधर नीट एंड क्लीन है सब जगह, ठीक है, और काफ़ी डेवलप्ड है। तो घूमने के लिए, रहने के लिए, और अभी फीफा वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो लाइफस्टाइल तो इधर अनडाउटली इधर अच्छा है। पर आपका अगर कब सैलरी अच्छा है तो भाई सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हम लोग छोड़कर आए हैं सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है, अदर डजेंट मैटर, ठीक है। तो मेरा पर्सनली एक ओपिनियन है कि कंपनी डजेंट मैटर, कंपनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी मैटर नहीं करती। अगर आपको छोटी कंपनी में भी हो, अगर आपको सैलरी अच्छा है, ठीक है, फैसिलिटीज अच्छा है, तो आप अच्छे जगह पर हो, ठीक है, क्योंकि हमें भाई पैसों से मतलब है, हमें कंपनी पैसा अच्छा दे रही है, तो पैसा ही हमारे लिए है हम, क्योंकि हम अपना देश छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर इधर जो है पैसों के लिए आए हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प करने के लिए आए हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि कंपनी उतना मैटर नहीं करती, और बड़ी कंपनी है भाई, थोड़ा बड़ा ही प्रेशर है, कुछ ज़्यादा ही ड्रामा है, ठीक है, ज़्यादा ही नाटक है, मैनेजर जी हम लोग का ज़्यादा ही प्रेशर रहता है काम में, और मैनेजर को, नॉर्मल स्टाफ को सुपरवाइजर मैनेजर टॉर्चर करता है, मैनेजर को जीएम टॉर्चर देता है, जीएम को कंट्री मैनेजर टॉर्चर देता है। तो प्राइवेट कंपनी का रूल्स ही ऐसा है, हर कंट्री का, प्राइवेट कंपनी का, ठीक है, जितनी भी चाहे बड़ी कंपनी हो, सबका यही सिस्टम है। तो बस अभी तक मैं जो अभी हूँ इधर, 2 साल लगभग मेरा पूरे होने वाले हैं इस जनवरी में, तो 2 साल से हूँ, तो अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस जो गेन किए हैं, तो वो बस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और इस वीडियो में पूरी लिविंग कॉस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी आप लोग को देने की कोशिश किया हूँ। और बहुत सारे दोस्त लोग यही मुझसे पूछ रहे थे कि थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से बताओ भाई। तो और तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी ब्लॉग तो नहीं बना पा रहा हूँ, अभी घूमने जाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा अभी नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रहा है, और डे में थोड़ा टाइम मिलता तो मैं ब्लॉग व्लॉग वगैरह बनाता। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए इधर, कतर नेशनल म्यूजियम है, उधर भी जाना है मेरे को, फुटबॉल एसोसिएशन, कतर फीफा एसोसिएशन है, फुटबॉल एसोसिएशन, उधर भी जाना है। तो बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए जगह है इधर, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी ओवरनाइट ड्यूटी चल रहा है। तो डे में आने के बाद मैं ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगा, ठीक है। तो कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक, और इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक है, ठीक है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो मैं जितना समय मिलता हूँ मैं पूरा जो है आप लोग के कमेंट्स को, आप लोग के मैसेज को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहिएगा ज़रूर मेरे साथ, और हिंदी में, चाहे नेपाली में, चाहे बंगला में, किसी भी भाषा में आपको पूछना हो तो अनडाउटली मुझसे पूछिएगा, तीनों लैंग्वेज में मैं जवाब दे सकता हूँ। और तो अरू हाँ, नेपाली दाजुभाइहरूसँग एउटा सानो कुरा भन्नु थियो, होइन, अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि म नेपाली भएर हिन्दीमा किन भिडियो बनाउँछु, होइन, यो चाहिँ जस्ट म खासै एउटा इन्फर्मेसनको लागि मैले ब्लगिङ गर्छु, होइन। अब हिन्दीमा बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईँको यो पाकिस्तान, इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, होइन, अलमोस्ट हिन्दी त सबैले बुझ्छ नि त, होइन, त्यही भएर सबैको लागि इन्फर्मेसन होस् भनेर मैले हिन्दीमा ब्लग गरेको, होइन, अदर केही नेगेटिभ नसोच्नु होला, त्यसको लागि मेरो हात जोडेर बिन्ती छ, होइन। और बङ्गाली दादा भाइ बन्धु र आमा আমাকে আপনাদের মনে যা কিছু কোশ্চেন রয়েছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ঠিক আছে।
আমি বাংলাতে কথা বলতে পারি। আর আমি 20 বছর কলকাতায় ছিলাম, তো সব দাদা আমার বন্ধু বান্ধবরা সব কলকাতাতেই রয়েছে, ঠিক আছে। তো আমি যেহেতু এখানে আছি, তো যতটুকু পারবো আমি নিজের থেকে আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের ভালো অ্যাডভাইস করতে পারি, ঠিক আছে। ভালো থাকবেন, আমার কন্ট্যাক্ট থাকবেন, আশা করি আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন। তো ঠিক আছে দোস্ত, অভি কে লিয়ে মে বস বিদা লেনা চাহতা হুম আপসে, মিলতে হ্যায় নেক্সট ভিডিও মে। আর অভি তো ওভার নাইট ডিউটি চল রা হ্যায়, বস ফ্রাইডে কো মেরা ছুটি হতা হ্যায়, তো ফ্রাইডে মে কোশিশ করুঙ্গা নাইট মে ভিডিও বানাও, ঠিক হ্যায়, আর কুছ ইনফরমেশন আপ লোগ কো দো। আর কুছ ভি কোশ্চেন হো তো সিধা মুঝে হোয়াটসঅ্যাপ মে মেসেজ করে, ইয়া মেরে ফেসবুক পেজ ইয়া ইনস্টাগ্রাম মে মেসে টেক্সট করে, ঠিক হ্যায়। তো মিলতে হ্যায় নেক্সট ইনফরমেশন ভিডিও या ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, नमस्ते, सलाम।